जिस दिन खिचड़ी पकेगी खिलाई भी जाएगी। सर एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड और बिहार प्रदेश की इकाई और दोनों अध्यक्षों ने, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने, तमाम बोर्ड के सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था कि आगामी एमएलसी के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ना चाहती है। जिस तरीके से हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा था, उसी तर्ज पर बिना किसी से गठबंधन किए, बिना किसी से कोई समझौता किए हुए ये चुनाव भी हम लोग अकेले लड़ने का फैसला पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। और अधिकांश सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। कई सीटों पर नामों को लेकर चर्चा कर ली गई है, नामों पर का चयन कर लिया गया है, कुछ है जिसपे अभी चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अधिसूचना आती है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से अधिसूचना का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कारण पता नहीं कि क्यों नोटिफिकेशन आने में विलम्ब हो, पर जैसे ही अधिसूचना आती है नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आज जो गुड्डू यादव से आपकी मुलाकात हुई है? आज नहीं हुई है, बहुत पुराना मतलब किस पे चर्चा, किस चीज़ पे हो गए? एमएलसी चुनाव नज़दीक है और गुड्डू यादव ताल ठोके हुए हैं, जिस तरीके से लगातार रन भी कर रहे हैं और आपका मिलना ये कहीं ना कहीं, इन्होंने नाश्ते में बुलाया, हम आए, व्यक्ति का संबंध भी मायने रखते हैं। खिचड़ी कुछ तो पक रहा होगा सर। जिस दिन खिचड़ी पकेगी खिलाई भी जाएगी। ठीक, जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।